गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रवि कुमार, योर कंप्यूटर टीचर, एंड आई हार्टली वेलकम्स यू ऑल इन दिस कंप्यूटर क्लास। प्यारे बच्चों, आज की इस कंप्यूटर क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। दिस इज न्यू चैप्टर, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। बट दिस चैप्टर इज आउट ऑफ सिलेबस। ये सिलेबस से बाहर है। इन दिस चैप्टर देर आर टू टॉपिक्स, दो टॉपिक है इसके अंदर, एक है एल्गोरिथम्स और दूसरा है फ्लो चार्ट। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केवल एल्गोरिथम्स के ऊपर। एल्गोरिथम्स इज ए सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम्स इज ए सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स टू सॉल्व और लॉजिकल मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रॉब्लम्स। एन एल्गोरिथम इज ऑलवेज रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स। प्यारे बच्चों, एल्गोरिथम वो स्टेप होती है, एल्गोरिथम उसे कहते हैं जिसे हम अपनी सिंपल भाषा में एक प्रोग्रामिंग तैयार करें, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। अलग अलग वर्क करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स। हर काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाई गई है, उसी को एल्गोरिथम्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग द टीथ। टीथ को ब्रश करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिया गया है, इसमें देखिए। फर्स्ट स्टेप, प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ। फर्स्ट पॉइंट, टेक योर ब्रश फ्रॉम द सेल्फ, टेक योर ब्रश फ्रॉम द सेल्फ। सेकेंड पॉइंट, टर्न ऑन द टैप, टैप ऑफ योर वॉश बेसिन। थर्ड पॉइंट, रिंस द ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप। टैप फोर्थ पॉइंट, अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश। फिफ्थ पॉइंट, स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ सिक्स पॉइंट, क्लीन द ब्रश एंड रेंस योर माउथ।
सेवेंथ पॉइंट, टेक योर टंग्स क्लीनर. एंड नंबर एट, क्लीन योर टंग. I mean, these are the eight steps which you are going to clean your teeth. Take your brush from the shelf, turn on the tap of your wash basin. सबसे पहले आप अपना ब्रश लीजिए, सेल्फ से अपना ब्रश लीजिए. सेकेंड पॉइंट में बोला गया है, वॉश बेसिन में टैप को टर्न ऑन करिए, यानी नल चालू करिए. थर्ड में अपने ब्रश को गीला करिए और नल को बंद करिए. फोर्थ में ब्रश पर टूथपेस्ट को अप्लाई करिए. फिफ्थ में ब्रश को टीथ के साथ रगड़ पट्टी स्टार्ट करिए. क्लीन द ब्रश एंड रिंस द माउथ, खुला करिए और ब्रश को धोइए. क्लीन योर टंग, अपना टंग क्लीनर लीजिए, टंग को क्लीन करिए. और नाइन्थ पॉइंट में यहां पर आप लिखेंगे, क्लीन द टंग क्लीनर एंड रिंस द माउथ, नाइन्थ पॉइंट. तो स्टूडेंट्स, इसी टाइप के प्रोसेस को कहते हैं एल्गोरिथम्स. क्या कहेंगे? एल्गोरिथम्स. आइए एक एग्जांपल और लेते हैं. इन योर बुक देर आर थ्री एग्जांपल्स रिलेटेड टू एल्गोरिथम्स. Algorithm to set your school bag. Algorithm to set your school bag. आप अपने स्कूल बैग को सेट करेंगे. How to set the school bag for coming this school? Step one, इस तरीके से लिखेंगे. Step one, step two, step three, step four, step five. फर्स्ट में लिखेंगे आप स्टार्ट. सी द टाइम टेबल. गो टू योर बुक सेल्फ. Take out the books, notebooks. According to schedule, keep them in the bag. Keep them in the bag. Six में लिखेंगे close the bag. Seven में लिखेंगे stop. तो dear students, आपके book में जो algorithms दिया गया है, उस algorithms का यही मतलब होता है
स्टेप वन में स्टार्ट सेट योर स्कूल बैग के लिए, पहला स्टेप में, पहले स्टेप में स्टार्ट, सेकंड में सी द टाइम टेबल, आप अपना टाइम टेबल को देखिए, थर्ड में गो टू योर बुक सेल्फ, जिस जगह पे आपने बुक रखी हुई है उस जगह पर आप जाएंगे और जाने के बाद वहां पर अपने बुक्स को देखेंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स को चेक करेंगे। फोर्थ में टेक आउट द बुक्स नोटबुक्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बुक्स और नोटबुक्स दोनों के अकॉर्डिंग बुक्स को बाहर करेंगे बुक सेल्फ से। फिफ्थ में कीप देम इन द बैग, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आप अपने बैग में बुक्स को रखेंगे। सिक्स्थ में क्लोज द बैग, आप रखने के बाद बैग को बंद कीजिए, और सेवन्थ में स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेप्स टू राइट द एल्गोरिथम्स फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर वर्क। हर काम को करने के लिए एक स्टेप्स बना हुआ है, उन्हीं स्टेप्स को आपको यहां पे इंग्लिश में लिखना होगा। दिस इज अ सिंपल मेथड टू राइट द एल्गोरिथम्स इन सिस्टमैटिक वे। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आप घबराएंगे नहीं और आपके बुक में पेज नंबर 97 पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिया गया है और आप उन सभी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे, जहां डाउट होगा वहां आप हमको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।